की लड़ाई बीजेपी की सामत आई। ये कैसा विरोध जो बड़े ठाकुर की नहीं मान रहे। सीएम योगी का दाव, क्या ठाकुर लेंगे पीछे पांव। राज्य से बैर नहीं, केंद्र की खैर नहीं। मेरठ में फिर लगेगा ठाकुरों का जमावड़ा। जैसे जैसे मई जून पास आता जा रहा है, वैसे वैसे मौसम भी उत्तर प्रदेश में बदलता जा रहा है। ऐसा ही हाल कुछ उत्तर प्रदेश की बदलती सियासत में भी नजर आ रहा है। पश्चिमी यूपी समुदाय के लोगों ने एन वक्त पर क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने अचानक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाले ठाकुर बहुल गांव में बैठकों के बाद रविवार को सहारनपुर जिले के नानौता में क्षत्रिय महाकुंभ आयोजित की गई, जहां पर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया। इस दौरान क्षत्रिय समुदाय के संगठनों ने ऐलान किया कि जो भी बीजेपी को हराएगा क्षत्रिय समाज उसे ही वोट करेगा। वहीं मेरठ जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से एक सरदना लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट का हिस्सा है और यहां इस समय क्षत्रिय समाज भाजपा उम्मीदवार संजीव बलियान, जो कि एक जाट हैं, के खिलाफ मैदान में है। ठाकुर मतदाता लगभग 1,00,000 मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। उन्होंने परंपरागत रूप से भाजपा को वोट दिया है, लेकिन इस बार दो बार के सांसद और केंद्र मंत्री बलियान के प्रति उनके विरोध का मूल कारण उनके और सरदना से भाजपा के फायर ब्रांड पूर्व विधायक संगीत सोम एक ठाकुर के बीच कड़वी प्रतिद्वंद्विता है। आपको बता दें कि सरदना वह इलाका है जहां ठाकुरों को टिकट नहीं मिलने से ठाकुर समाज इस वक्त काफी आक्रोश में है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मेरठ की ठाकुर चौबीसी में इशारों में ठाकुरों को साधने की कोशिश की और कहा कि मैं सरदना चौबीसी में इसीलिए आया हूं कि लोग गुमराह करने आएंगे, बरगलाएंगे, उनके बहकावे में नहीं आना, क्योंकि देश और राष्ट्र धर्म से बढ़कर कोई नहीं होता। ये वीरों की धरती है, वीर कायरता नहीं दिखाते हैं। महाराणा प्रताप की बात होती है तो भारत के स्वाभिमान की बात होती है। इसके बाद सीएम योगी ने जय श्री राम के नारे के साथ अभिभाषण समाप्त किया। रैली में भाजपा नेता पूर्व विधायक संगीत सोम और प्रत्याशी राज्य मंत्री संजीव बलियान एक मंच पर दिखे जरूर, लेकिन संगीत सोम ने 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दी। बोले, जो मुख्यमंत्री आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। सभा में संगीत सोम जिंदाबाद के नारे लगते रहे तो वहीं मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बलियान भी कम ही बोले। बता दें कि चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में संगीत सोम से विवाद और ठाकुर समाज की नाराजगी से बीजेपी जो है मुश्किलों में फंस चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ठाकुरों को मनाने के लिए मेरठ में कदम रखा। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभा में संजीव बलियान और संगीत सोम के बीच स्थितियां ठीक करने की कोशिश की, लेकिन दोनों की बीच की दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं 16 तारीख को फिर से मेरठ में ठाकुर समाज पंचायत करेगा। ठाकुरों समाज का एक बार फिर से जमावड़ा लगेगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या ठाकुर समाज और बीजेपी के बीच आई दूरियां मिट पाएंगी या फिर नहीं, या फिर इसका भुगतान बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भरना ही पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।